रायपुर शहर के आउटर कॉलोनियों में बाहर से आकर संदिग्ध लोगों के निवास करने की मिल रही थी शिकायतों को देखते हुए आज दिनांक नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक के द्वारा थाना प्रभारी सरस्वती नगर कबीर नगर एवं थाना सरस्वती नगर कबीर नगर के थाने का बल पुलिस लाइन के बल को लेकर थाना सरस्वती नगर कोटा स्थित पीएसयूपी कॉलोनी के 10 ब्लॉक के 160 मकानों में संदिग्धों की चेकिंग की गयी। इस दौरान दो ऐसे लोग जो बिना मकान आवंटन के अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे थे इन्हें थाना लाकर कार्रवाई की गई। इसके उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायपुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कोंडागांव पिछले डेढ़ साल शांत बैठे नक्सलियों ने एक बार फिर मर्दापाल एरिया में अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए सड़क निर्माण में लगे तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। मर्दापाल के ग्राम हगवा तोतर के बीच 8 किलोमीटर का सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। पीएमजीएसवाई द्वारा बनाई जा रही इस सड़क पर जेसीबी मिक्सर मशीन और पिकअप गाड़ी काम में लगी हुई थी। गुरुवार की शाम निर्माण स्थल पर करीब 100 से अधिक संख्या में हथियारबंद नक्सली पहुंचे। माओवादियों ने निर्माण कार्य रुकवाकर तीनों वाहनों में आग लगा दी। नक्सली इस रोड के निर्माण के दौरान लगातार तीसरी वारदात कर चुके हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सड़क के बनाने से नक्सलियों को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। गौरतलब है कि बारसूर कमांडर विलास की मौत के बाद माओवादियों ने 31 मई को विरोध प्रदर्शन करते हुए बस्तर बंद का आह्वान किया था। इस दौरान जिले के गोलावड इलाके में मौजूद माओवादियों ने पेड़ काटकर मार्ग अवरुद्ध कर अपनी अपनी स्थिति दर्ज भी कराई थी। नक्सली घटना के बाद पूरे क्षेत्र में पसरा सन्नाटा, नक्सली दहशत का सास करा रहे हैं। गोलू गेडाम की रिपोर्ट। खंडवा दूध सब्जी फल नहीं ले जाने दे रहे हैं खंडवा शहर में। किसानों ने शहर के सभी मार्गों पर की नाकाबंदी। भारतीय किसान संघ की हड़ताल का व्यापक असर। लोगों को दूध सब्जी फल के पेड़ के लाले एडिशनल एसपी महेंद्र कुमार टारडेकर ने किसानों को दी समझाइश। कहा आप आंदोलन शांति से करें। प्रशासन ने जगह जगह चिन्हित किए है ऐसे पॉइंट जहां पर हमने व्यवस्था लगाई है और एफआरबी भी लगाई है और हमारे सभी थाना प्रभारी भी लगा रखे हम लोगों ने और साथ में कुछ रिजर्व बल भी लगा रखा है। किसान आंदोलन के जो भी नेता है यहाँ पर और जहाँ जहाँ जिन जिन पॉइंटों पर लोग जमा है जिस आंदोलन को स्वरूप दे रहे हैं उनको समझाइश दी जा रही है कि किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट न हो, उनका नुकसान न हो, समझाइश देकर उनका आंदोलन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर कानून व्यवस्था यदि हाथ में लेते हैं तो अवश्य कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। रायपुर ठगी के आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया। 2015 में आरोपी ने प्रार्थी प्रबोध केरकेटा को फोन कर इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर 4,50,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ झीरम घाटी नक्सली हमला में घायल पुलिस अधिकारी अमर सिंह बाग की इलाज में लापरवाही के कारण मौत। राज्य सरकार की उदासीनता के चलते ठीक से नहीं हो रहा था इलाज। दरभा घाटी नक्सली हमला में गोली लगी थी। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विकास उपाध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं ने जयस्तंभ चौक पर दिवंगत पुलिस अधिकारी को श्रद्धांजलि दी। नमन करना है उनको श्रद्धांजलि साथ सरकार सुधार दे देख रेख सही से नहीं हो पाई। देखिए 4 साल से वो व्यक्ति घायल अवस्था में था और बीमारी से जूझ रहा था। सरकार की लापरवाही पहले भी रही और सरकार की लापरवाही थी, अनदेखी सरकार ने की है जिसकी वजह से मौत का इलाज होगा हो सकता था अच्छा है बढ़िया इलाज हो पाता अच्छी उनको इलाज मिल पाता तो वो शायद बच भी सकते। पथलगांव पिछले 3 दिनों से लैलुंगा ब्लॉक के कुर्रा और राजपुर के मध्य स्थित खेल मैदान को बचाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का विरोध लगातार जारी है लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होते देख आज लैलुंगा के पूर्व विधायक हृदय राम राठिया की अगुवाई में लैलुंगा SDM कार्यालय का घेराव किया गया और ज्ञापन सौंप कर खेल मैदान में कन्या आश्रम बनाए जाने का विरोध किया गया। द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है खेल मैदान को सुरक्षित बचाने के संबंध में क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? इस संबंध में कन्या छात्रावास निर्माण के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग रायगढ़ से
मई के प्रथम सप्ताह में हमारे पास पत्र आया था कि राजपुर और पुर्रा के मध्य में जमीन चयनित करके हमको खतरा नक्शा उपलब्ध कराया जाए। उसके परिपालन में हमने दो नक्शा खसरा उपलब्ध करा दिए थे। इसी दौरान हमारे पुर्रा ग्राम के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों के द्वारा आपत्ति किया गया है कि वहाँ पर खेल मैदान है तो उस पर निर्माण कार्य होने नहीं दिया जाएगा करके, और इसके संबंध में आज ही ज्ञापन प्रस्तुत किए हुए हैं और इस संबंध में सहायक आयुक्त को निर्देशित किया गया है। उनके पहुँचने के बाद ये जो है इसका निराकरण किया जाएगा। सर, जहाँ पर पहले से भवन का निर्माण कराया जाए सर, उस जगह से दोबारा कैसे कि दूसरे जगह चिन्हांकित किया गया? वो जो पत्र प्रस्तुत किया गया उसके अनुसार से जंगल से लगा हुआ कारण दर्शाया गया है। वही है परिचय। मैं हृदय राम राठिया, पूर्व विधायक ललुंगा एवं जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस रायगढ़, ग्राम कुर्रा में कन्या आश्रम भवन छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। अब उसमें 30% काम हो चुका, न्यू खुदाई हो गया, न्यू भराई हो गया, पूरा मटेरियल सामग्री डंप हो चुका। 8 दिन काम बंद रहा, उसके बाद अचानक क्या हो गया, ये शासन प्रशासन को उस काम को बंद कर दिए हैं और पूरा ही कहीं नहीं, पूरे उस क्षेत्र के बहुउद्देशी जो पिछले 50 साल से खेल आयोजन होता है उस खेल मैदान को ये सरकार के दलाल द्वारा या प्रशासन में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भांति काम करने वाले लोग उस खेल मैदान को में कन्या आश्रम भवन निर्माण कराने के लिए आतुर हुए हैं, निशान चिन्हांकित किए हैं। उसी के विरोध में हम सब हमारे ललुंगा ब्लॉक के और रायगढ़ जिला के, तमनार के, धर्मजयगढ़ के, खरगोड़ा के सभी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस युवा आज श्रीमान SDM का घेराव करके अपना रोष प्रकट किए हैं। ज्ञापन के जरिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस बहुत ही पुराना खेल मैदान को बचाए रखिए, इसको नष्ट मत करिए। और पंचायत के जहाँ पे प्रस्ताव हुआ है, ग्राम सभा का द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है, उसी जगह में उक्त खेल कन्या आश्रम भवन को निर्माण करने के लिए मांग कर रहे हैं और खेल मैदान में जो चिन्हांकित किया गया है, निशान दिया गया है, उसे निरस्त करें, ये मांग करने के लिए हम लोग आज आए हैं। आशुतोष बंछोर की रिपोर्ट। रायपुर MG रोड में निगम की कार्रवाई। वर्षों से रोड पर ठेला लगाकर व्यापार कर रहे व्यापारियों के 50 से अधिक ठेले निगम ने किए जब्त। प्रताड़ित व्यापारियों को मिला कांग्रेस का साथ। देर रात निगम मुख्यालय पहुंचकर व्यापारियों ने निगम आयुक्त का किया घेराव। आयुक्त के निर्देश पर जब्त सभी ठेलों में निगम ने व्यापारी को वापस किया। एक तरफ निगम द्वारा MG रोड में लेट नाइट चौपाटी की बात, दूसरी तरफ निगम की बर्बरता पूर्वक कार्यवाही से नाराज थे व्यापारी। रायपुर कांग्रेस विकास उपाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता लेते हुए कहा कि रायपुर पुलिस पर लगाया आरोप, हर प्रदर्शन में प्रदर्शनकर्ता पर बल्ब धारा लगा देती है जो कि कानूनी तरीके से नहीं लाना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का हक है। आरोप पुलिस ने 146-147 लगाया जाता है, पुलिस को अधिकार नहीं है कि बल्बा की धारा लगाए। पुलिस भाजपा के अंदर काम कर रही है, 140 सदोष परिरोह की भी कभी धारा लगा दिए हैं, मंत्री के कहने पर बस भाजपा के लिए कार्य कर रही है। आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई लड़ने को रोकने का काम पुलिस के माध्यम से कर रही है, पुलिस के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है, जिसका उदाहरण सैकड़ों प्रकरण हम लोगों के ऊपर में दर्ज किया गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथी उसमें डरने वाले नहीं है। ये रायपुर प्रदेश के अंदर में, विश्व के अंदर में प्रदूषण में नंबर पाता है। इसको लेकर मंत्री को हम लोग नवाजने गए थे, मंत्री को सम्मान करने गए थे, जिसको लेकर बलवा और आपराधिक प्रकरण कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के ऊपर में किया गया, जिसके विरोध में आज हम सब मिलकर यहाँ बैठकर आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। और कांग्रेस इन तमाम चीज़ों से डरने वाली नहीं, और खुली चुनौती है भारतीय जनता पार्टी सरकार को और पुलिस को। लगातार लोगों के अधिकारों की लड़ाई, इस प्रदेश के भ्रष्टाचार की लड़ाई,
कांग्रेस पार्टी लड़ते रहेगी, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ते रहेगा, जब तक उसको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक इस आवाज को बुलंद करते रहेगी। रायपुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर देहात। प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक जहां प्रदेश की जनता को सख्त कानून व्यवस्था देने की वाकियात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी विधायक के कहने पर थाने गई पीड़िता के लड़के को थाने में ही बैठा लिया। पीड़ित की माने तो उसने पुखराया निवासी चंद्र प्रकाश के साथ एक गेहूं काटने वाला थ्रेसर साझे में खरीदा था, जिसकी कीमत लगभग 90,000 रुपए है। थ्रेसर से गेहूं की फसल काटने के बाद दबंग चंद्र प्रकाश ने पीड़िता सरोजनी देवी व उसके लड़के को धमका कर भगा दिया और थ्रेसर व गेहूं को अपने कब्जे में ले लिए। उसकी शिकायत को लेकर जब गरीब पीड़िता थाने पहुंची तो बीजेपी के सत्ताधारी विधायक विनोद कटरिया ने पीड़िता के लड़के को एक रात के लिए थाने फोन करके जबरन बैठा दिया। थ्रेसर हमने दोनों लोगों ने चंद विकास के साथ लिया था, हमारा 50,000। बेईमानी कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं दिया है। हाँ, सर भी लग गया। धमकी दी पुलिस ने, कहा कि यहाँ से जाओ, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। और विधायक जी का फोन आ गया था। लड़के को रात में भुवनीपुर थाने में बैठा रखा था। हाँ, सुबह छोड़ा गया जब हम गए हैं वहाँ। फिर उसके बाद जब आप लोग विधायक के पास गए तो विधायक जी ने कहा कि आप जाइए, यहाँ पैसे ऐसा नहीं देंगे, आप यहाँ आने की जरूरत नहीं है। गाली गलौज दिया चंद प्रकाश ने, दिया है गाली गलौज। और सतीश कटिया ने कहा है कि यहाँ से जाइए, आप यहाँ मत आना। मारने की धमकी दे रहे हैं कि आपको बलात्कार में बच्चों को फंसवा देंगे, अब आप दोनों बच्चों को बलात्कार में फंसवा देंगे और चरस में फंसवा देंगे बच्चों को, आप जान से तुमको मरवा देंगे। अच्छा, इसके बाद जब मुख्यालय पर मंत्री जी से मिलने गई थी, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ फोन किया था तो बच्चों को छोड़ा था। कानपुर देहात से राहुल कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।